नमस्कार दोस्तों, आज हम पके आम से आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आए, लेकिन शॉर्टकट वे में। जी हाँ, एक ही रेसिपी में आपको डबल मजा आएगा, डबल फ्लेवर देखने को मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त और यूनिक रेसिपी है, तो बिना देरी किए चलिए शॉर्टकट वे में इस रेसिपी को बना के तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी की एक खास बात है कि आज डबल मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहे। तो पके आम से इस रेसिपी को बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो पका आम ले लिया है। आप एक बड़ा आम लेंगे तो एक आम से आपका ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोनों आम को मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसके बाद इसका हमें पल्प निकालना है। तो आम से पल्प निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस तरीके से चीरा लगा, इसके बाद इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाए, तो देखिए बारीक बारीक कटा हुआ आपका आम का पल्प बड़ी आसानी से निकल जाता है। इसके बाद हम इसे स्कूप्स करेंगे चम्मच से। तो इस तरीके से दोनों को मैंने काट लिया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे मैं क्या करूँगी। स्पून लूँगी और बड़ी आसानी से इसको स्कूप आउट कर लूँगी। देखिए तो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बारीक बारीक टुकड़ों में पल्प तैयार है, तो इसे अब हम साइड में अलग रख देंगे। इसके बाद रेसिपी में हम आगे करेंगे, एक छलनी ले लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कप मैदा ले लिया है, आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जाएगा एक चम्मच बेकिंग पाउडर और इसका आधा क्वांटिटी जाएगा बेकिंग सोडा, यानी कि आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इन्हें हमें अच्छे से छान लेना है और इसे अब हमें साइड में रख देना है, आगे इस्तेमाल में आएगा। अब यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें मैं आधा कप चीनी डाल दूंगी और चीनी को हमें पाउडर शुगर बनाना है। जी हाँ, मिक्सर जार में ही सब चीज़ को मिक्स करेंगे, शॉर्टकट मेथड है, बड़ी आसानी से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका रेसिपी बनके तैयार हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड में बता रही हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे पीसी चीनी बना के तैयार कर लिया। इसके बाद मैं डालूंगी एक चौथाई कप दही, तो यहाँ पे फ्रेश दही का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। इसे भी हमें एक बार चला लेना है, बिल्कुल ही स्मूथ कर लेना है। इसमें मेहनत नहीं लगता है, झटपट से आप मिक्सिंग जार में ही सब चीज़ को बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही तैयार है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप तेल, तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल यानी कि कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। इसको भी एक बार चला के बिल्कुल ही इसका महीन पेस्ट बना के हमें तैयार कर लेना है। तो इसको मैं एक बार चला लूँगी और बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा महीन स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए मिक्सर, इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। इसके बाद हम यहाँ पे 6 इंच का टिन लेंगे और इसे हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि हम जो रेसिपी बनाएंगे ना तो इसमें ये चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम पके आम से बहुत ही ज़बरदस्त टू फ्लेवर यानी दो मज़े वाला केक बना के तैयार करेंगे। जी हाँ, तो रेसिपी में मेरे साथ बने रहे, बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है। इसके बाद मैंने बटर पेपर यहाँ पे ले लिया है, या फिर रैपिंग पेपर जो आता है ना दोस्तों सुपरमार्केट में, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से मोड़ लेना है, ताकि जब हम इसे काटें ना बिल्कुल ही बराबर से ये कटे। इसके बाद देखिए बीच में रख के इसका हमें मेजरमेंट ले लेना है और इसको हमें सीजर से काट लेना है। इसको काटने के बाद बिल्कुल ही गोल आपका, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे, इस तरीके से कट के तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप बेकिंग पेपर को इस तरीके से काट सकते हैं। बेकिंग पेपर नहीं है तो मैदे से छिड़क के टिन को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद साइड के वॉल में भी मैं बेकिंग पेपर लगा रही हूँ, तो इसको किस तरीके से लगा रही हूँ आपको मैं आगे बताते जा रही हूँ। तो देखिए इसका मैं साइज़ देख लूँगी, इसका जो हाइट है ये थोड़ा ज़्यादा है पेपर इसमें, तो इसमें मैं इस तरीके से काट लूँगी इसको। इसके बाद ये डबल पेपर था तो इसको मैं एक और काट लूँगी, तो ये लंबा हो जाएगा और पूरे टिन में ये अच्छे से आ जाएगा। आगे मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसका डबल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके वॉल पर इस तरीके से लगाएंगे, ताकि हम जब बेक करें ना तो ये साइड साइड से जले ना और बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिमोल्ड हो जाए। तो देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको मैं एक्स्ट्रा वाला काट लूँगी, और एडजस्ट करते हुए हमें बेकिंग ट्रे पहले ही तैयार कर लेना है। बेकिंग ट्रे बोलिए, टिन बोलिए, इसे पहले ही तैयार करना है, क्योंकि केक का बैटर जब तैयार होता है ना दोस्तों, फटाफट से उसे बेकिंग के लिए रखना पड़ता है, तो ये सब तैयारी आपको पहले ही करनी है। तो ये बिल्कुल ही तैयार है, इसे अब हम साइड में रख देंगे। इसके बाद एक भगोना मैंने ले लिया, ऊपर से स्टैंड रख दिया है, ऊपर से ढक के मैं इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए पहले ही रख दूंगी, बैटर बनाने से पहले। ये करना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो केक बनने में बहुत ही टाइम लगता है। तो इसे प्रीहीट होने के लिए रख दें। तो यहाँ पे मैंने जो मिक्सचर बना के तैयार किया था दही चीनी और तेल से, इसमें मैंने वैनिला एसेंस आधा चम्मच डाल दिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दूध अभी डाल रही हूँ, आधा कप से थोड़ा कप मैंने दूध डाला है, क्योंकि आगे मैं इसमें ड्राई मिक्सचर डालने वाली हूँ। जो ड्राई इन्ग्रीडियंट हमने छान के तैयार रखा था ना मैदा वाला, वो हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए। तो देखिए यहाँ पर पूरा मैंने अभी डाल दिया,
और अच्छे से हमें एक बार स्पून से चला लेना है। स्पून से चलाने के बाद हमें इस मिक्सर को एक बार मिक्सी में चला लेना है। इससे क्या होगा, जो इसका बैटर है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें दूध और डालूंगी। तो टोटल यहाँ पे मैंने 3/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। डो थोड़ा हमें गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि डबल लेयर वाला हम केक बनाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा दूध डाल के इस बैटर को अगर आप पतला बना देंगे ना, तो डबल लेयर आपको विजिबल नहीं होगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके का डो हमारा बनने वाला है। तो देखिए बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा, देखिए स्पून से बहुत ही मुश्किल से ये गिर रहा है। इस तरीके का बैटर हमें बना के तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं पहले ही पतला इसे बना लूँगी ना, तो इसे एडजस्ट करने में बहुत ही मुश्किल जाएगा। तो देखिए गाढ़ा गाढ़ा डो हमारा तैयार है। तो 1 कप मैदे से मैंने बनाया था, तो डबल लेयर वाला हम बनाने वाले हैं। तो 1/2 कप मेजरमेंट से मैंने इसको निकाल लेना है। देखिए 1/2 कप यहाँ पे मैं निकालूंगी, क्योंकि डबल फ्लेवर से हम बनाने वाले हैं। तो 1/2 कप मैंने निकाल लिया, इसे एक अलग बर्तन में मैंने निकाल लिया है। तो इसे मैं स्पून से इस तरीके से निकालूंगी दोस्तों। तो दोनों डो में अलग अलग फ्लेवर हम डालने वाले, क्या क्या डालेंगे तो आगे मैं बता रही हूँ। तो जो बचा हुआ 1/2 कप था, उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है आम का पल्प, और थोड़ा सा मैंने टॉपिंग के लिए बचा दिया। इसको भी मिक्सी में एक बार हमें चला लेना है दोस्तों। तो चलिए इसे मैं मिक्सी में चला लेती हूँ। बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा हमारा इसका मैंगो वाला पल्प बन के तैयार होगा। तो ये पहला ऊपर वाला लेयर रहेगा दोस्तों हमारा। इसके बाद इसमें मैंने कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। आपके पास कलर है तो डालें, मैं हल्दी वर्जन में बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल के इसको कलर दिया है। इसके बाद इसे एक और बार मिक्सी में मैंने चला लिया। तो चलाने के बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों सबसे ऊपर वाला लेयर यानी मैंगो पल्प वाला फ्लेवर तैयार है। अब देखिए बचा हुआ 1/2 कप में मैं यहाँ पे मिलाऊंगी 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। डार्क कोको पाउडर है, आपके पास कोई भी कोको पाउडर है आप डाल के इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चॉकलेटी, मैंगो फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर का ये केक बन के तैयार होगा। यकीन ही नहीं होगा, लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी डबल लेयर कितना ज़बरदस्त तरीके से दिखता है। तो दोस्तों कोको पाउडर डालने के बाद ये जो बैटर था ना, काफ़ी टाइट हो गया था। तो 1/4 कप से थोड़ा कम दूध डालते हुए इस बैटर को मैं बना के तैयार कर लूँगी। लेकिन ये बहुत टाइट बैटर बन के तैयार होगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके का बैटर ये बनेगा। देखिए इस तरीके का बैटर बनना चाहिए। इस तरीके का बैटर बनाए कि 2 लेयर जब आप डालें ना, एक दूसरे से ये मिले ना। तो प्रिपेयर टिन हमने रख लिया। इसके बाद हमने जो बैटर अभी भी बनाया गाढ़ा गाढ़ा, देखिए इसको हम डाल देंगे। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, स्पैचुला की सहायता से इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैचुला की सहायता से इवन वे में मैंने इसको फैला दिया। तो एक बार टैप कर ले ताकि एक्स्ट्रा ले जितना भी एयर है निकल जाए। इसके ऊपर से मैंगो वाला जो हमने बैटर बनाया था गाढ़ा गाढ़ा, इसको हम ऊपर से डाल देंगे। जी हाँ, डबल लेयर वाला बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेटी मैंगो फ्लेवर का ये केक बनता है। एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद इसको एक और बार मैंने टैप कर दिया। अब ऊपर से हमने जो मैंगो का जो पीसेस बचाया था ना दोस्तों, वो हम डाल देंगे। आप टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं। मैंगो केक बना रही तो मैंगो का पल्प यहाँ पर डालना अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो इसको मैंने डाल दिया। इसके बाद एक फॉक की सहायता से अच्छे से इसको अंदर डाल देंगे, ताकि ये ऊपर ऊपर में ना रहे, सिर्फ अंदर भी चला जाए थोड़ा सा। तो हमारा बिल्कुल ही तैयार है ये टिन। फटाफट से इसको बेकिंग करने के लिए हमें रखना है, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का रिएक्शन बहुत ही तुरंत होना चाहिए। तो चलिए गर्मा गर्म हमारा ये भगोना तैयार है। ऊपर से हम केक के बैटर को रख देंगे। तो इसको एडजस्ट कर लेती हूँ दोस्तों। इसके बाद ऊपर से ढक के हम 30 से 35 मिनट में मीडियम से लो फ्लेम में इसको बेक कर लेंगे। पहले फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखें, 5 मिनट बाद मीडियम फ्लेम को लो कर दें। और देखिए 35 मिनट हो गए हैं। देखिए फूला फूला बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग केक हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपके केक थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, तो 10 मिनट आप इसे और पका सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही तैयार है। तो चलिए अब पूरी तरीके से हमने इसे ठंडा कर लिया। इसके बाद उल्टा करके हमने देखिए इसको डिमोल्ड कर दिया। कितने ज़बरदस्त तरीके से ये डिमोल्ड हो जाता है दोस्तों, नीचे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ही चॉकलेट लेयर हमारा बनके तैयार हुआ है। दोस्तों बेकिंग पेपर जो हमने लगाया था, कितने आसान तरीके से निकल जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक तैयार है। ऊपर से हमने देखिए थोड़ा सा पाउडर शुगर छिड़क लिया, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही उम्दा हमारा मैंगो और चॉकलेट फ्लेवर का ये केक बन के तैयार हो गया है दोस्तों। एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ज़रूर इसे एक बार बनाइएगा। तो केक को मैंने काट लिया है। तो दोस्तों सरप्राइज अभी आपके लिए दिख रहा है। देखिए कितना ज़बरदस्त डबल लेयर वाला ये केक बना है। देखिए ऊपर मैंगो फ्लेवर, नीचे चॉकलेट फ्लेवर, कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने इसे बेक करके तैयार किया है। बिना ओवन, घर पे गैस पे ही बना के तैयार किया है।
तो देखिए कितना जबरदस्त ये केक फुला फुला बनके तैयार हुआ है। आई होप आज की हमारी अमेजिंग और टेस्टी मैंगो की ये केक की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों घर पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। नए आए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, रेसिपी को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।